हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वैभव एक्सप्लेन्स। आज हम लाइफ प्रोसेस चैप्टर में लीफ के क्रॉस सेक्शन के डायग्राम को समझने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। अब इस डायग्राम में, क्रॉस सेक्शन डायग्राम में कौन कौन से पार्ट्स जो हैं उन्हें समझ लेते हैं। अब जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, एक तो यहाँ पे आपको मिलेगा मिडरिब। मिडरिब कहाँ है? ये बिल्कुल सेंटर मोस्ट पोर्शन है, इसे कहा जाता है मिडरिब। फिर आता है लीफ ब्लेड या फिर लेमिना, यानी ये वाला सरफेस, इसे कहा जाता है लीफ ब्लेड या लेमिना। फिर आएगा यहाँ पे वेन्स, और यहाँ पे फ्लोएम और जाइलम के टिश्यूज हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इनको हम वैस्कुलर बंडल भी बोलते हैं। और अगर मैं इसको ट्रांसवर्स सेक्शन काटूँ, यानी इसका TS काटूँ, ट्रांसवर्स सेक्शन काटूँ, तो मुझे कुछ ऐसा डायग्राम देखने को मिलेगा। अब इसमें क्या क्या होता है स्टूडेंट्स? सबसे ऊपर होती है वैक्से क्यूटिकल लेयर, उसके नीचे है अपर एपिडर्मिस, और उसके नीचे क्लोरोप्लास्ट की लेयर, फिर कुछ एयर स्पेसेस हैं, देन गार्ड सेल है यहाँ पे। और इसके बाद हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा लोअर एपिडर्मिस भी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ बेसिक से पार्ट्स यहाँ पे दिए हुए। अब इनको डिटेल में जानते हैं, इनकी इनके फंक्शंस क्या क्या हैं। आइए समझते हैं इनके फंक्शन के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मिडरिब या यहाँ पे जो लेमिना दे रखा है इसके बारे में। मिडरिब क्या होता है स्टूडेंट्स? मिडरिब होता है ये सेंटर मोस्ट पार्ट। आपने देखा होगा लीफ के बीचों बीच एक लाइन जारी होती है, ये लाइन को बोलते हैं, इसे कहा जाता है मिडरिब। मिडरिब का फंक्शन क्या है कि जैसे कि हम जानते हैं, एक प्लांट को जिंदा रहने के लिए पानी की बहुत ज़रूरत होती है, वाटर की बहुत ज़रूरत होती है। तो वाटर जो है और जो ज़रूरी मिनरल्स हैं वो इस मिडरिब के थ्रू ही यहाँ से होते हुए जाएंगे। और जैसे कि आप यहाँ वेन में देख रहे हो, वेन, इस वेन के थ्रू पूरे के पूरे लीफ के अंदर सर्कुलेट हो जाएंगे। जितने भी वाटर और मिनरल्स हैं वो मिडरिब से होते हुए हर एक वेन में जाएंगे, वाटर एंड मिनरल्स, और पूरे लीफ को वाटर एंड मिनरल्स मिल जाएंगे। तो ये है फंक्शन मिडरिब और वेन का। अब लेमिना या लीफ ब्लेड क्या होता है? लेमिना या लीफ ब्लेड लीफ की सरफेस को कहा जाता है। लीफ की सरफेस जितनी बड़ी होगी वहाँ पर वाटर लॉस होने के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे, यानी ट्रांसपिरेशन होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। और अगर लीफ की सरफेस बहुत छोटी है, आपने पतले पतले लंबे लंबे लीफ देखे होंगे इस टाइप के, अगर लीफ इस टाइप के हैं तो इसका मतलब उसकी सरफेस बहुत छोटी है, उसका लीफ लेमिना या लीफ ब्लेड बहुत छोटा है, तो वहाँ वाटर लॉस यानी ट्रांसपिरेशन कम होगा। तो लीफ ब्लेड या लेमिना हमें क्या बताता है? ये बताता है कि ट्रांसपिरेशन किस लीफ में ज़्यादा हो सकता है, किस में कम हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात है कि लेमिना या लीफ ब्लेड जितना ज़्यादा बड़ा होगा उसमें उतनी ज़्यादा कैपेसिटी होगी ट्रांसपिरेशन करने की, प्लस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इन गैसेस के एक्सचेंज करने की कैपेसिटी भी उसमें ज़्यादा होगी, क्योंकि उसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट आते हैं हम फ्लोएम एंड जाइलम। फ्लोएम और जाइलम को स्टूडेंट्स को कहा जाता है वैस्कुलर बंडल। इनको वैस्कुलर बंडल क्यों कहा जाता है? बिकॉज फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ फूड, जबकि जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर, कंडक्शन ऑफ वाटर, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक लीफ के अंदर प्रॉपर पानी पहुंचाना, प्रॉपर खाना पहुंचाना, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? जाइलम और फ्लोएम के नाम के टिश्यूज, जिनको हम वैस्कुलर बंडल भी कहते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे ये टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, जो कि कंडक्शन करवाने का काम करते हैं। अब हमने क्या किया, लीफ का एक ट्रांसवर्स सेक्शन कट किया है, जैसा आप देख रहे हैं इस सर्कल को, यहाँ पे हमने कट कर दिया लीफ का ट्रांसवर्स सेक्शन। कट करके हमने माइक्रोस्कोप को नीचे देखा तो हमें क्या क्या पार्ट्स मिले, आइए वो देख लेते हैं एक बार। तो उसके नीचे हमें मिले यहाँ पे, ये देखिए सबसे ऊपर है हमारे पास वैक्से क्यूटिकल। वैक्से क्यूटिकल की लेयर ये वाली लेयर है, ये जो आप देख पा रहे हैं, इसे कहा जाता है वैक्से क्यूटिकल। ये वैक्से क्यूटिकल का काम क्या है? वैक्सी नाम से पता लग रहा है, वैक्सी मतलब मेड अप ऑफ वैक्स, एक नेचुरल वैक्स से बनके बनी है वैक्सी क्यूटिकल यानी लेयर।
यानी ये लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करने का काम करेगी कि ज्यादा वाटर लॉस ना हो जाए गर्मियों में। इस वजह से उस वाटर लॉस को प्रिवेंट कौन करेगी, वैक्सी क्यूटिकल, एक्सेस लॉस ना हो जाए पानी का, तो उसका काम क्या करेगी, बचाने का काम वैक्सी क्यूटिकल। ठीक है, तो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो आपकी वैक्सी क्यूटिकल है, ये वैक्सी क्यूटिकल काम क्या मैंने बताया कि वैक्सी क्यूटिकल ये लॉस ऑफ वाटर को बचाने का काम करती है, ज्यादा वाटर का लॉस ना हो जाए। सेकेंड चीज है अपर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस का काम क्या है, ये अपर एपिडर्मिस यहाँ पर सबसे अपर मोस्ट लेयर होती है। एपिडर्मिस वर्ड का मतलब क्या है, एपी मीन्स आउटसाइड या अपर, आउटसाइड, डर्मिस मीन्स लेयर, जो लेयर बाहर हो उसे बोलते हैं अपर एपिडर्मिस, ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर आते हैं हम अपने पास दूसरा है यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट को आपको पता ही है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है, इट इज अ साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो उसे कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पे जो छोटे छोटे यहाँ बने हुए हैं, दिस इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। इसे क्या कहा जाता है स्टूडेंट, दिस इज क्लोरोप्लास्ट, जहाँ फोटोसिंथेसिस होगी। उसके बाद बीच में खाली जगह है, इनको बोला जाता है एयर स्पेसिस। एयर स्पेस कुछ गैप्स हैं सेल्स के बीच में, इन्हें कहा जाता है एयर स्पेसिस। उसके बाद आप देख रहे हैं एयर स्पेस जस्ट नीचे यहाँ पे है गार्ड सेल। अब स्टूडेंट्स गार्ड सेल कहाँ होते हैं, ये होते हैं स्टोमेटा में। स्टोमेटा के अंदर गार्ड सेल्स होते हैं, और स्टोमेटा का फंक्शन क्या है, इट हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो गैस का एक्सचेंज होगा वो स्टोमेटा में होता है, और स्टोमेटा का एक पार्ट है गार्ड सेल, जो कि इस तरह से एक्चुअल में देखने को मिलता है। हमारी बुक में डायग्राम भी है उसका, उस पर भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा स्टोमेटा के बारे में। यहाँ बस इतना समझ लीजिए, छोटे छोटे जो दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, दीज आर द गार्ड सेल। ठीक है, दीज आर द गार्ड सेल, ये कहाँ प्रेजेंट है, ये आपके लोअर एपिडर्मिस के, ये लोअर एपिडर्मिस सबसे नीचे वाली, लोअर एपिडर्मिस के सबसे सेंटर में यहाँ पे प्रेजेंट है, ये देखिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है गैसेस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा लीफ का पूरा स्ट्रक्चर, जो क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ है, फिगर 6.1, आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो हमारे एनसीईआरटी में गिवन है। फिर भी अगर आपको डाउट है, क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको डाउट का क्वेरी का जरूर जवाब दूंगा। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए वैभव एक्सपीरियंस। थैंक यू।